हाय दर्शक, आमी ये आली, अपनारा देखछेन यूट्यूब बांगला टेन। चलुन आगे बढ़ा। युद्ध 15 दिन अतिबाहित हुए छे। एरी मध्ये भारतेर उजमा पारवीन नामे एक महिला के गिरफ्तार करलो पुलिस। केनो गिरफ्तार करलो, की कारणे गिरफ्तार करलो, अपनारा भिडियो देखुन, तारपर कथा आगे बढ़। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा प्रदर्शन था पीसफुल टीले वाली मस्जिद पर। तो जब हम और हमारे कुछ साथी जैसे ही टीले वाली मस्जिद पर पहुंचे, वहां प्रशासन ने हमें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना गलत है कि जहां जुल्म हो रहा हो, अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाने गए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए, तो पुलिस ने हमें धर दबोचा और ले जाकर महिला थाने भेज दिया, हजरतगंज महिला थाने भेज दिया, जहां मुझे 7 से 8 घंटे डिटेन रखा गया। तो ये बताए कि आखिर योगी सरकार क्यों इतना दबाव बनाना चाह रही है? क्या हमें इतना भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है अपना कि हम अपनी आवाज उठा सके? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? राजशाही चल रही है? लोकतांत्रिक देश नहीं है ये कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो, इंसानियत पर जुल्म हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं? तो हम इंसानियत के पैरोकार हैं और अमन और शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। तो अगर ये जो युद्ध इसराइल ने छेड़ा है फलस्तीन के खिलाफ, इसे समाप्त करें ताकि वहाँ के बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सारे लोग महफूज तरीके से रह सके, हिफाजत से रह सके। इसी के वजह से ये हम प्रोटेस्ट करने निकले थे फलस्तीनियों के लिए, और हम फलस्तीनियों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। ये प्रशासन और ये सरकार हमारे हौसलों को दबा नहीं सकती है और हमें मजबूर करती है कि हम किस तरह का एक्शन लें। मीडिया के मध्य दुटो दले विभक्त हुए छे, एकटा दल फिलिस्तीनीर पक्षे और एकटा दल इजराइलेर पक्षे। ভারতের মানুষের মধ্যে দুটো দলে বিভক্ত হয়েছে। কেউ কেউ ইসরায়েলের পক্ষে তারা মিছিল করছে, সভা করছে, বক্তব্য দিচ্ছে, তাদের কিন্তু গ্রেফতার নেই, তাদের কোনো গ্রেফতার হচ্ছে না। আবার আমরা এটা দেখেছি ফিলিস্তিনির পক্ষে ভারতের কোনা কোনা থেকে না আওয়াজ উঠেছে, অনেক জায়গা থেকে এমনও খবর পাওয়া গেছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ডিটেন করা হয়েছে। দর্শক, এই ভিডিও নিয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট।